हेलो भाई, मेरा नाम हर्ष शर्मा। भाई कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो भाई मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रैंड i10 नियोस, और आज हम इस वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ बात करने वाले हैं। और मैं बिना देरी करे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से भाई, यहाँ पे इसमें आपको सिर्फ हेलोजन बल्ब देखने के लिए मिलता है हेडलैम्प्स में, और इधर इंडिकेटर आ जाते हैं, इधर फॉग लैम्प्स आ जाते हैं, इधर इसकी होंडा की बैजिंग आ जाती है। कुछ ओवरऑल इसका फ्रंट व्यू आ जाता है, और इसमें आपको दो तीन कलर ही आता है। एक तो ये वाला आता है ग्रीन सा, और एक इसमें वाइट कलर आता है, और शायद एक ग्रे कलर आता है। भाई अब मैं अगर इसके टायर स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, तो इसमें आपको 165/70 R14 के टायर देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये अपोलो के टायर देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसमें आपको एलॉय व्हील भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और आगे डिस्क ब्रेक भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसके ORVM पे इंडिकेटर आते हैं, और यहाँ पे इसके क्रोम का यूज़ करा गया है। भाई गाड़ी लुक वाइज तो मुझे काफ़ी पसंद आती है ये वाली, और इसका फ्रंट लुक भी काफ़ी सही है। वैसे हुंडई की एक और आती है, ये आती है, इनका दोनों का फ्रंट लुक कुछ सिमिलर सही है, उसमें बस पीछे डिग्गी इसकी एक्सटेंड कर दी गई है। और कुछ डोर हैंडल्स की बात करता हूँ, इस तरीके का आपको इसमें डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी इसका क्रोम का यूज़ करा गया है। और रियर टायर की बात करता हूँ, स्पेस टायर साइज तो वही रहेगा खैर, और इसमें आपको पीछे ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब ओवरऑल इसके रियर लुक की बात करता हूँ, तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें रियर लुक देखने के लिए मिल जाता है। इधर स्पोर्ट्स की बैजिंग आ जाती है, स्पोर्ट्स मतलब ये इसका टॉप मॉडल है, और ये CNG कंपनी फिटेड है, और ये ग्रैंड i10 की बैजिंग आ जाती है। इधर नियोस की बैजिंग आ जाती है, और इधर हुंडई की, और ये इसका रियर पार्किंग कैमरा है। भाई ओवरऑल कुछ इस तरीके का आपको इसमें रियर लुक देखने के लिए मिल जाता है, और ये हैचबैक में आती है, और दूसरी तरफ से भी इसका साइड व्यू आ जाता है। और मैं इसमें बात करता हूँ, इधर रूफ रेल्स आ जाती है ये छोटी छोटी सी। अब इंटीरियर की बात करते हैं अंदर चल के इसके। इंटीरियर से पहले सबसे पहले इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें आपको 1200cc का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 81 BHP की पावर निकालता है, और 113 Nm टॉर्क, और ये 4 सिलेंडर में आपको इसका इंजन देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें इंटीरियर की बात करते हैं, सबसे पहले आपको इसकी की दिखाता हूँ। ये आपको इसकी ऐसी फ्लिप की देखने के लिए मिल जाती है। तो अब इसमें अंदर चल के बात करते हैं। भाई हैचबैक में ये प्रॉब्लम होती है सबसे सबसे बड़ी, तो इसमें बैठने में और निकलने में बहुत दिक्कत होती है। SUVs में बड़ा सही से रहता है। तो भाई इसमें कुछ इस तरीके का आपको स्टेयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। भाई मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, लेकिन मुझे इसमें बैठने में और निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है हाइट के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल आपको इसमें डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। ये 8 इंच की इसमें आपको यहाँ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, और कुछ इस तरीके का आपको इसमें MID देखने के लिए मिल जाती है, और लेफ्ट में इसका RPM मीटर, और राइट में इसका स्पीड मीटर देखने के लिए मिल जाता है। और अब MID की बात करते हैं, कुछ इस तरीके का आपको इसमें MID और बीच में डिजिटल MID देखने के लिए मिल जाती है। भाई मुझे इसके AC वेंट्स काफ़ी पसंद आते हैं, कुछ इस तरीके आपको इसमें AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर इससे आपको आप इसकी लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो हेडलाइट्स, और ये इसका आपको AC कंट्रोल करने के लिए आ जाता है, और ये इसके कुछ इस तरीके के AC वेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे भी, और ये इसका साइड वाला AC वेंट आ जाता है, और कुछ इस तरीके का काफ़ी बड़ा सा इसमें आपको ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। भाई मैं अगर इसमें सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से बात करता हूँ, तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं, और कुछ इस तरीके का आपको इसमें डोर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर इसका आपको फ्रंट स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, और ये कुछ इस तरीके का आपको सीट्स देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका हैंड ब्रेक है, और ये इसका कुछ इस तरीके का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी अगर मैं स्टेयरिंग की बात करता हूँ, तो ये इस पर यहाँ पर मोड वगैरह चेंज करने के लिए आ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आ जाता है, और ये इसके कॉल वगैरह को मैनेज करने के लिए आ जाता है। भाई अगर मैं इसकी पावर विंडोज़ की बात करता हूँ, तो चारों पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है। इधर ये आपको चाइल्ड लॉक देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ से आप इसका डोर वगैरह को लॉक कर सकते हो। भाई वैसे तो टॉप मॉडल है, तो चारों पावर विंडो तो इसकी होनी थी। अब मैं इसकी पीछे चल के रियर सीट्स की बात करता हूँ। भाई जैसे मैंने भी सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, तो देखते हैं गाड़ी पीछे से कैसी है, इसमें स्पेस वगैरह कितना है। भाई स्पेस वगैरह तो काफ़ी है, मैंने वैसे पीछे बैठ कर देखा नहीं था, अभी देखा है स्पेस वगैरह इसका। लेग रूम हेड रूम भी सही है, अंडर थाइट सपोर्ट भी सही है,
आप देख सकते हो इतना स्पेस बच रहा है। ये मैंने सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी, और यहाँ पे भी आपको इसमें एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसमें यहाँ पे आपको इसकी केबिन लाइट देखने के लिए मिल जाती है। भाई इसमें मैं आपको सिटिंग पर्पस के हिसाब से बात करूँ तो मेरे हिसाब से 3 आदमी तो कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, अगर पतले पतले से तो बैठ सकते हैं, लेकिन 2 ही आदमी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि हैचबैक में ज़्यादा स्पेस नहीं होता। और मैं इसकी यहाँ पे अगर पीछे बात करता हूँ तो ये पार्सल ट्रे आ जाती है। अभी पीछे से इसका बूट भी ओपन करके दिखाएंगे। वैसे तो इसमें सीएनजी किट होगी तो इतना स्पेस होगा नहीं, लेकिन जो कंपनी फिटेड सीएनजी होती है उसमें थोड़ा बहुत स्पेस तो होता ही है। इसका आपको ओवरऑल मैंने अभी डैशबोर्ड आगे से भी दिखाया था, कुछ इस तरीके का आपको इसमें डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे इसके ये हैंडल्स आ जाते हैं। तो आप पीछे चल के बात करते हैं गाड़ी के इसके बूट की। भाई ये आप देख रहे होगे जो कंपनी फिटेड सीएनजी आती है वो थोड़ी ऊपर को रहती है, तो यहाँ पे इस पे थोड़ी बहुत स्पेस की मतलब सामान वामान रखने के लिए स्पेस बच जाता है। इसकी स्पेयर टायर भी यहीं आ जाता है, थोड़ा बहुत ही जैसे रखा हुआ है यही रख सकते हो। तो वैसी जगह तो बचती नहीं जो नॉर्मल गाड़ियों में रहती है, ये इसकी पार्सल ट्रे आ जाती है। और ओवरऑल ये था आपका इसके लुक वगैरह। अभी मैं इसमें आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस की भी बताऊंगा मेरा कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है। और ये नीचे गिर गया था, इसे हम रख देता हूँ। इसमें आपको यहाँ पे 37 या 37 लीटर का पेट्रोल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। इधर भी आपको इसमें हैलोजन का ही कॉम्बिनेशन आता है। जैसे टॉप मॉडल है, इसमें इन्होंने आपको फ्रंट में भी LED वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ हैलोजन नॉर्मल। और भाई ओवरऑल ये इसका लुक है, सनरूफ वगैरह तो कुछ आती नहीं इसमें। तो अभी इसमें हम देखने वाले हैं मेरा मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा और सिटिंग पोजीशन रह गई, अंदर चल के एक बार सिटिंग पोजीशन और देखते हैं इसकी कैसी है। भाई अगर मैं इसकी पहले ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो इसमें आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाती है, जो कि वैगनार जितनी है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, शायद वैगनार में भी 165 mm है। और अगर मैं इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करता हूँ तो इसमें आपको 3805 mm की लेंथ देखने के लिए मिल जाती है, और 1680 mm की विड्थ और 1520 mm की आपको इसमें हाइट देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही इसकी अगर व्हील बेस की बात करता हूँ तो 2450 mm का आपको इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें अंदर चल के मैं आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस और सीटिंग पोजीशन के बारे में बताता हूँ मेरा कैसा रहा है। तो भाई देखते हैं इसमें इसकी की लगा के, सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं। भाई अब जैसे मैंने ये इसकी सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, और मैंने कैमरा अपनी आइज के सामने पकड़ रखा है बिल्कुल, अब तो मुझे कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है। बोनट तो इसका क्लियर दिख नहीं रहा, और वैसे अगर ये सीएनजी गाड़ी है तो आपको पता ही है सीएनजी चलने में इतनी सही तो होती नहीं एज कम्पेरेटिव टू पेट्रोल एंड डीजल। वैसे अगर देखा जाए लोग अपने बजट के हिसाब से लेते हैं, सीएनजी का माइलेज थोड़ा सही सा पड़ता है, ये मेरे हिसाब से देती होगी 25-26 का एवरेज सिटी में भी, और थोड़ा बहुत डिफरेंस आता होगा हाईवेज पे भी। भाई हैचबैक का ये होता है, आपको अगर मतलब इस पर्पज से लेनी है कि थोड़ा आपको रश में डेली की रनिंग है, और सीएनजी भी इसी वजह से लेते हैं लोग, तो भाई मेरे हिसाब से गाड़ी वैसे चलने वलने में तो सही है, इतनी बुरी नहीं है। तो और आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I mean